हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ये हमारा फेसबुक पेज है क्वांट स्टडी नाम से। अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसको फॉलो करें, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट है उन सबकी नोटिफिकेशन हम यहाँ पर शेयर करते हैं एंड जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उनकी प्री डिटेल्स भी यहाँ पे शेयर करते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपका कोई सवाल है या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, तो ये हमारा है 8th लेक्चर और ये बेस्ड है लैंड रिफॉर्म्स ऑफ J&K पर। इसे एक्चुअली मैंने डिवाइड कर दिया है, 8th लेक्चर ये पार्ट 1 है और 8th लेक्चर पार्ट 2 थोड़े ही दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। बेसिकली मैं चाहता हूँ आप प्रॉपरली इसको समझें, इसको एज अ स्टोरी की तरह समझें। अगर आप इसको एज अ स्टोरी लेंगे तो आपको आराम से और अच्छी तरह समझ आएगा इन चीज़ें। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं। JKSSB नाम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसमें जाके आप वो 7 के 7 लेक्चर्स देख सकते हैं। तो J&K के लैंड रिफॉर्म्स को पढ़ने से पहले हमें J&K की थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ताकि हम समझ सकें कि क्या रीजंस थे कि लैंड रिफॉर्म्स को लाना पड़ा, कौन से ऐसी वजहें थी जिन्होंने प्रेशर बिल्ड किया कि लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो एक नज़र हम मारेंगे J&K की हिस्ट्री पर। सबसे पहले हम देखेंगे द फेमाइन ऑफ 1831। बेसिकली फेमाइन होता क्या है? फेमाइन इज किसी चीज़ की कमी हो जाना। जब भी किसी चीज़ की कमी हो जाती है उसको कहते हैं फेमाइन, किसी चीज़ की स्कार्सिटी हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है। द फेमाइन ऑफ 1831 अकर्ड अंडर शेर सिंह, ठीक है। जब शेर सिंह यानी कि सिंह डायनेस्टी का रूल चल रहा था, ये तब की बात है, ये तब का फेमाइन है, तब की कमी हुई थी किसी चीज़ की। और वो किस चीज़ की कमी थी? वो कमी थी खाने की, ठीक है। फसल तबाह हो गई थी और वो इसलिए हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी कश्मीर में, ठीक है। फ्लड्स आ गए थे, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से वहाँ हैवी तबाही हुई थी, क्रॉप सारे ख़त्म हो गए थे, फसल सारी बर्बाद हो गई थी। तो इससे क्या हुआ था, जो 8 लाख पॉपुलेशन थी उस समय कश्मीर की, वो सीधा 2 लाख पे आ गई थी, यानी कि 6 लाख लोगों की डेथ हुई थी। और इतनी ज़्यादा डेथ्स किस वजह से हुई थी? सिर्फ खाने की वजह से हो गई थी, ठीक है। अगर आज भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और ये डिटेल पढ़ते हैं कि यार 6 लाख लोग एक साथ मर गए थे, तो दिल बैठ जाता है ऐसी चीज़ें पढ़ के। दूसरा जो फेमाइन अकर हुआ था वो 1864 में हुआ था, जब महाराजा गुलाब सिंह का रूल चल रहा था डोगरा डायनेस्टी का। इसमें भी बहुत ज़्यादा क्रॉप्स तबाह हो गए थे और रीज़न हर एक का कॉमन सा रीज़न है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, एक्सेसिव फ्लड्स आए थे, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि जो गुलाब सिंह की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऑर्डर किया था कि चावलों को बहुत ज़्यादा मात्रा में लाया जाए पंजाब से और यहाँ लोगों को दिया जाए सस्ते दामों पर, ताकि यहाँ जितनी भी जो भी पॉपुलेशन है, जो भी नुकसान है, वो कम हो सके, ठीक है। नेक्स्ट जो था फेमस फेमाइन वो था 1877 का, द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1877 अप टू 1879, यानी कि 2 साल चला था पूरे। अब हुआ क्या था, हम जानते हैं कि कश्मीर की हिस्ट्री है कि वहाँ पे फेमाइन्स आते रहते हैं, इन द सेंस कि जब एक्सेसिव बारिश हो जाती है तो फसलें तबाह हो जाती हैं, ठीक है। दे डिन यूजली अकर ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर, बट इन फैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड्स, एक्सेसिव रेन एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ये पानी की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि एक्सेसिव रेन की वजह से यहाँ पे तबाही होती है। द फेमाइन ऑफ 1877 लास्टेड फॉर 2 ईयर्स एंड नो पार्ट ऑफ द वैली रिमेन अनइफेक्टेड, ये 2 साल चला था पूरे और हर जगह इसकी तबाही देखने को मिली थी वैली में, कोई भी जगह इसके अनइफेक्टेड नहीं रही थी, हर जगह इसकी तबाही देखने को मिली थी। हुआ क्या था, अगस्त में बारिशें शुरू हुई थी, 5 महीने लगातार बारिशें चली और जनवरी में जाके ये बारिशें बंद हुई। इन बारिशों के दौरान छोटे अर्थक्वेक्स भी हमें देखने को मिले। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ के क्रॉप्स थे वो फिर से हमेशा की तरह तबाह हो गए, ठीक है। और अब खाने की फिर कमी होगी। पॉपुलेशन जो श्रीनगर की थी, ये पर्टिकुलरली श्रीनगर की बात हो रही है, 1,27,000 थी उस समय और गिर के कितनी रहेगी, 60,000। खाली 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर कुड सर्वाइव दिस फेमाइन, ठीक है। कश्मीर की खाली 1/5 यानी कि खाली 20% कश्मीरी लोग यहाँ पे बच पाए थे इस फेमाइन के कारण, ठीक है, इस कमी के कारण खाने की। खाली 1/5 20% लोग ही बच पाए थे।
रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स वर द की टू शेख अब्दुल्ला टावरिंग इन्फ्लुएंस ऑन कश्मीर। शेख अब्दुल्ला का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था कश्मीर में वो किसकी वजह से शुरू हुआ था? वो इन लैंड रिफॉर्म्स की वजह से शुरू हुआ था। अब लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पहले जानना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि शेख अब्दुल्ला का यहाँ क्या रोल था और इस चीज़ की वजह से, इस लैंड रिफॉर्म्स की वजह से वो एक तरीके से मसीहा बन गए थे कश्मीर के लोगों में। तो अब लैंड रिफॉर्म होता क्या है? बेसिकली लैंड रिफॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं एक ओनर डिसाइड करने के लिए लैंड का, ठीक है। इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की लैंड पड़ी हुई है जो किसी पर्पस के लिए नहीं है, किसी के काम नहीं आ रही, तो उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया जा सकता है, या फिर मोर पावरफुल बंदे के पास अगर वो लैंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे महाराजाओं के पास ओनरशिप थी लैंड की, तो उनसे लेके आम आदमी को लैंड की ओनरशिप दे देना, ये इस लैंड रिफॉर्म का मेजर मोटिव था, ठीक है। तो ये इसके ऊपर टेक्स्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मेजर मोटिव यही था कि जो लैंड की ओनरशिप है वो एक्सट्रीम पावरफुल लोग जो ज़मींदार हैं या जो महाराजा खुद हैं उनसे लेकर एक आम आदमी को देना जो एक्चुअली वहाँ पे काम कर रहा है उसको देना, ठीक है। अब इस टेक्स्ट में भी यही समझाया गया है कि जब महाराजा हरि सिंह ने 16 मार्च को 1846 को कश्मीर ख़रीदा था 75 लाख में, ठीक है, ई ब्रिटिश से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो तब J&K कम्प्लीटली जो बनता था वो 90% जो था वो एग्रीकल्चर स्टेट था, ठीक है। इवन 1947 से जो 90% यहाँ पे रोज़गार था या लोग रह रहे थे वो एग्रीकल्चर ही कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो कंप्लीट फोकस कहाँ पर हो गया? एग्रीकल्चर में। अब ये जो लैंड रिफॉर्म है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि मेजर लोग जब काम ही एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो ये लैंड रिफॉर्म उन सब की ज़िंदगी बदलने वाला था। होने क्या वाला था कि जो लैंड है वो उनके खुद के नाम पर होने वाली थी, जो आज तक कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके नाम पे अपनी ज़मीन होगी, वो होने वाला था अब उनके साथ। अब हम पढ़ेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स ने J&K में क्या चेंजेस लाए थे। द फार्मर ऑफ कश्मीर इन जनरल डिड नॉट हैव एनी राइट्स इन द लैंड एज द ओनरशिप वाज डायरेक्टली वेस्टेड इन द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बाय द डोगरा मोनार्की एंड दिस पोजिशन कॉन्टिन्यूटेड 1931। अब हुआ क्या था कि जो कश्मीर के फार्मर्स थे उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे प्रॉपर्टी के। ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो मेन पावर थी वो किनके पास थी? महाराजाओं के पास थी और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास थी। सारी ज़मीनों की जो ओनरशिप थी वो उनके पास थी, कश्मीर के लोगों के पास जो फार्मर्स थे वहाँ पे उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन ये 1931 तक ही चल पाया, उसके बाद आ गई नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू की जो है लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। इस मूवमेंट के कारण ही शेख अब्दुल्ला 1948 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसी के कारण वो उस वक्त कश्मीरी लोगों के दिल में बसे थे, उनके मसीहा बने थे। तो अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स 5 थे, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ बिग लैंड कंसंट्रेशन ज़मींदारी सिस्टम। जो भी गवर्नमेंट ने अपने पास लैंड रखा हुआ है बहुत ज़्यादा तादाद में, जो हाई ऑफिशियल्स महाराजा बैठे हुए हैं उनके अंडर है वो लैंड, वो ख़त्म किया जाए, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ एब्सोल्यूट लैंड कंसंट्रेशन, एक ही के पास सारा लैंड होना ये सही नहीं है, लोगों को दिया जाए, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको दिया जाए। ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू एक्चुअल टिलर्स, जो वहाँ पे दिन रात हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्रॉप्स बना रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, उनके लिए उनके नाम पे ये लैंड होना चाहिए, ना कि उनके जो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड टू लैंडलेस लेबर, ठीक है। सरप्लस लैंड क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या होता है, यूजुअली ऐसी लैंड होती है जो किसी काम नहीं आ रही होती, सिर्फ पड़ी हुई होती है, तो उनको भी दिया जाए एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने, जिनके पास कोई लैंड नहीं है, जो किसी पे काम नहीं कर रहे थे, उनको वो दी जाए ताकि एग्रीकल्चर भी बढ़े यहाँ का। और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी कि ये जो होल्डिंग है लैंड के ऊपर, इन सबको ख़त्म किया जाए। इन ऑल इन 5 का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो गवर्नमेंट के पास, जो महाराजा के पास लैंड है, ठीक है, उसको एक आम आदमी तक दिया जाए, उसकी पावर, उसका ओनरशिप एक आम आदमी तक पहुँचाई जाए। तो अब आता है द बिग लैंडेड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1950। अब बेसिकली होता क्या है, जब शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं J&K के 1948 मार्च में, तो सबसे पहले वो उसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं जिन्होंने उसको जिताई होती है, ठीक है। अब वो क्या है, द एजेंडा ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। बेसिकली 1944 में जब सोपोर कन्वेंशन होती है तो अपने वो मैनिफेस्टो जो सामने रखते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं द नया कश्मीर या द न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो, तो उसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि हमारा एजेंडा है लैंड रिफॉर्म्स का, यानी कि हम वो लैंड
जो एक आम आदमी जिस पे काम कर रहा है उसको उसका मालिक बना देंगे। तो ये जो चीज़ है ये लोगों में एक तरीके का विश्वास पैदा करती है उनके प्रति और उनको कश्मीर की लोगों का मसीहा बना देती है। अब होता क्या है, 30 जून 1951 में 4,06,194 कैनाल्स की जो जगह होती है वो आम लोगों को बांट दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये था बिग लैंडेड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1950। ठीक है, तो ये था हमारा एंड 8th लेक्चर के पार्ट 1 का। ठीक है, अब हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे 8th लेक्चर का पार्ट 2। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे क्वेश्चन जो बनते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।